लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पंजाब अभी और झेलनी होगी उमस और गर्मी, बारिश के दूर दूर तक चांस नहीं। चंडीगढ़ भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल बादलों की ओर टकट की लगाए बारिश का इंतजार कर रही आंखों का इंतजार बढ़ सकता है। राज्य में अभी बारिश के दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि मानसून की आस में बैठे किसानों और गर्मी से परेशान लोगों को अभी मानसूनी बारिश के लिए कम से कम 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि पंजाब में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने उम्मीद जताई है कि मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से अगले सप्ताह मध्य और उत्तर भारत में बारिश के हालात बनेंगे। जानिए बीजेपी आईटी सेल पर क्यों भड़के अमित शाह, लगाई फटकार। उन्होंने कहा कि अभी देश के 25% से भी कम भाग पर सामान्य बारिश हुई है। वहीं विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून 29 जून को दस्तक दे सकता है, जिसके बाद इसे पंजाब पहुंचने में 7 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में अभी कम से कम पंजाब के लोगों को 15 दिन मानसून का इंतजार करना होगा। वहीं मानसून की रफ्तार कम पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मानसून आए हुए लगभग एक महीना होने को है, लेकिन अब तक देश के 25% भूभाग में ही सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन कहा गया है कि जुलाई माह में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और उत्तर भारत में दस्तक दे देगा। वहीं रविवार को गुजरात के सौराष्ट्र, वेरावल, अहमदाबाद और महाराष्ट्र के अमरावती में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश शुरू हो गई है।